हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल सबको शिक्षा पर। आज हम क्लाउड कंप्यूटिंग के क्लाउड कंप्यूटिंग बेसिस के इंट्रोडक्शन टू द क्लाउड कंप्यूटिंग इस चैप्टर की क्विज लेने वाले हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है ब्लैंक, कंप्यूटिंग रेफर्स टू एप्लीकेशंस एंड सर्विसेज दैट रन ऑन ए डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क यूजिंग वर्चुअलाइज्ड रिसोर्सेज। तो इसके ऑप्शन है डिस्ट्रीब्यूटेड, क्लाउड, सॉफ्ट एंड पैरेलल। इसका आंसर है क्लाउड। क्लाउड कंप्यूटिंग रेफर्स टू द एप्लीकेशंस एंड सर्विसेज दैट रन्स ऑन ए डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क यूजिंग वर्चुअलाइज्ड रिसोर्सेज। क्वेश्चन नंबर टू, पॉइंट आउट द रॉन्ग स्टेटमेंट। नीचे दिए गए से स्टेटमेंट से रॉन्ग स्टेटमेंट हमें चूज करना है। ऑप्शन है द मैसिव स्केल ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग सिस्टम्स वॉज इनेबल बाय द पॉपुलराइजेशन ऑफ द इंटरनेट। ऑप्शन बी, सॉफ्ट कंप्यूटिंग रिप्रेजेंट अ रियल पैराडाइम शिफ्ट इन द वे इन विच द सिस्टम्स आर डिप्लॉयड। ऑप्शन सी, क्लाउड कंप्यूटिंग मेक्स द लॉन्ग हेल्ड ड्रीम ऑफ यूटिलिटी कंप्यूटिंग पॉसिबल विथ एज पे एज यू गो एंड इनफाइनाइटली स्केलेबल यूनिवर्सली अवेलेबल सिस्टम। एंड ऑप्शन फोर्थ इज ऑल ऑफ द मेंशन अबव। द रॉन्ग स्टेटमेंट कौन सा है? तो रॉन्ग स्टेटमेंट है ऑप्शन टू, सॉफ्ट कंप्यूटिंग रिप्रेजेंट अ रियल पैराडाइम शिफ्ट इन विच इन इन द वे इन विच सिस्टम्स आर डिप्लॉयड। क्लाउड कंप्यूटिंग इज डिस्टिंग्विश्ड बाय द नोशन दैट रिसोर्सेस आर वर्चुअल एंड लिमिटलेस एंड दैट डिटेल्स ऑफ द फिजिकल सिस्टम्स ऑन विच सॉफ्टवेयर रन्स आर एब्स्ट्रैक्टेड फ्रॉम द यूजर। ये सेकंड स्टेटमेंट गलत था और पहला स्टेटमेंट जो था, द मैसिव स्केल ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग सिस्टम्स वॉज इनेबल बाय द पॉपुलराइजेशन ऑफ द इंटरनेट, ये सही है। क्लाउड कंप्यूटिंग मेक्स द लॉन्ग हेल्ड ड्रीम ऑफ यूटिलिटी कंप्यूटिंग पॉसिबल विथ एज पे एज यू गो इनफाइनेटली स्केलेबल यूनिवर्सल अवेलेबल सिस्टम, ये भी सही है। क्वेश्चन नंबर थ्री, एज ए यूटिलिटी इज ए ड्रीम दैट डेट्स फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द कंप्यूटिंग इंडस्ट्री इटसेल्फ। कौन सी यूटिलिटी है जो क्लाउड कंप्यूटिंग इंडस्ट्री सबसे बहुत पहले से ही एज ए ड्रीम उन्होंने सोचा है? तो ऑप्शन ए है मॉडल, ऑप्शन बी है कंप्यूटिंग, ऑप्शन सी है सॉफ्टवेयर एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ द मेंशन अबव। तो इसका सही आंसर है कंप्यूटिंग। कंप्यूटिंग एज यूटिलिटी ड्रीम दैट डेट्स फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द कंप्यूटिंग इंडस्ट्री इटसेल्फ। तो एक्सप्लेनेशन दिया है, क्लाउड कंप्यूटिंग टेक्स द टेक्नोलॉजी सर्विसेज एंड एप्लीकेशन दैट आर सिमिलर टू दोज ऑन द इंटरनेट एंड टर्न्स देम इनटू ए सेल्फ सर्विस यूटिलिटी। क्वेश्चन नंबर फोर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसेंशियल कंसेप्ट रिलेटेड टू द क्लाउड। नीचे दिए गए में से कौन सा कंसेप्ट ये एसेंशियल रिलेटेड है क्लाउड से? तो ऑप्शन ए है रिलायबिलिटी, ऑप्शन बी है प्रोडक्टिविटी, ऑप्शन सी है एब्स्ट्रैक्शन एंड ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द मेंशन अबव। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी एब्स्ट्रैक्शन। इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, क्लाउड कंप्यूटिंग एब्स्ट्रैक्ट द डिटेल ऑफ द सिस्टम इंप्लीमेंटेशन फ्रॉम यूजर्स एंड डेवलपर्स। जो क्लाउड कंप्यूटिंग होते इंडस्ट्री होते हैं, जो डेवलपर्स होते हैं, वो एब्स्ट्रैक्ट करते डिटेल ऑफ सिस्टम इम्प्लीकेशन फ्रॉम यूजर्स एंड डेवलपर्स। क्लाउड कंप्यूटिंग के जरिए हम डिटेल्स कलेक्ट कर सकते हैं यूजर्स और डेवलपर्स से। क्वेश्चन नंबर फाइव, पॉइंट आउट द रॉन्ग स्टेटमेंट। नीचे दिए गए स्टेटमेंट से हमें एक रॉन्ग स्टेटमेंट चूज करना है। ऑप्शन ए, ऑल एप्लीकेशन बेनिफिट फ्रॉम डिप्लॉयमेंट इन द क्लाउड। ऑप्शन बी, विथ क्लाउड कंप्यूटिंग यू कैन स्टार्ट वेरी स्मॉल एंड बिकम बिग वेरी फास्ट। ऑप्शन सी, क्लाउड कंप्यूटिंग इज रिवॉल्यूशनरी इवन इफ द टेक्नोलॉजी इट इज बिल्ड ऑन इज रिवॉल्यूशनरी। ऑप्शन फोर्थ, नन ऑफ द मेंशन अबव। अब इनमें से हमें रॉन्ग स्टेटमेंट चूज करना है। तो रॉन्ग स्टेटमेंट है ऑप्शन ए, ऑल एप्लीकेशन बेनिफिट फ्रॉम डिप्लॉयमेंट इन द क्लाउड, ये गलत है। इश्यूज विद द लैटेंसी, ट्रांजैक्शन कंट्रोल एंड इन पर्टिकुलर सिक्योरिटी एंड रेगुलेटरी कंप्लायंसेस आर ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न, तो ये गलत है। और सेकंड ऑप्शन और थर्ड ऑप्शन, विद क्लाउड कंप्यूटिंग यू कैन स्टार्ट वेरी स्मॉल एंड बिकम वेरी फास्ट, ये भी सही है। क्लाउड कंप्यूटिंग इज रिवॉल्यूशनरी इवन इफ द टेक्नोलॉजी इट इज बिल्ड ऑन इट्स इवोल्यूशनरी, तो ये सही है। क्वेश्चन नंबर सिक्स, विच ऑफ द फॉलोइंग क्लाउड कंसेप्ट इज रिलेटेड टू पुलिंग एंड शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज। नीचे देखिए में से कौन सा क्लाउड कंसेप्ट है जो रिलेटेड है पुलिंग और शेयरिंग से? तो ऑप्शन ए है पॉलीमॉर्फिज्म, ऑप्शन बी एब्स्ट्रैक्शन, ऑप्शन सी वर्चुअलाइजेशन एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द मेंशन अबव। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन थ्री वर्चुअलाइजेशन। एप्लीकेशंस रन ऑन फिजिकल सिस्टम्स दैट आर अनस्पेसिफाइड डाटा इज कॉन्स्टेंट स्टोर्ड इन लोकेशंस दैट आर अननोन। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सिस्टम्स इज अन आउटसोर्स टू अदर्स एंड असेस्ड बाय यूजर्स इज ऑब्विक्यूटस। क्वेश्चन नंबर सेवन,
blank has many of the characteristics of the what is now being called cloud computing. तो नीचे दिए गए में से कौन सा कैरेक्टर है जो क्लाउड कंप्यूटिंग से रिलेटेड है? ऑप्शन ए इंटरनेट, ऑप्शन बी सॉफ्टवेयर, ऑप्शन सी वेब सर्विस एंड ऑप्शन डी इज ऑल ऑफ द मेंशन अबव. तो इसका सही आंसर है इंटरनेट. द इंटरनेट ऑफर्स एब्स्ट्रैक्शन रन्स यूजिंग द सेम सेट ऑफ प्रोटोकॉल्स एंड स्टैंडर्ड्स एंड यूजेस द सेम एप्लीकेशंस एंड ऑपरेटिंग सिस्टम्स. इंटरनेट ऑफर्स करता है एब्स्ट्रैक्शन जो रन होता है सेम सेट ऑफ प्रोटोकॉल स्टैंडर्ड्स एंड यूजेस एंड द सेम एप्लीकेशंस ऑन ऑपरेटिंग सिस्टम जो इंटरनेट से होते हैं. क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी आइडेंटिफाइड एज क्लाउड. नीचे देखिए में से कौन सा एज ए क्लाउड आइडेंटिफाई किया जाता है? ऑप्शन ए वेब एप्लीकेशंस, ऑप्शन बी इंटरनेट, ऑप्शन सी हैडूप एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ द मेंशन अबव. तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी हैडूप. व्हेन एन इंटरनेट बिकम्स लार्ज इनफ दैट अ डायग्राम नो longer wishes to differentiate between the individual physical system, the internet too becomes identified as a cloud. तो जब internet becomes very large, जब बहुत बड़ा हो जाता है तो diagram no longer wishes to differentiate between the individual physical system. तो वो differentiate नहीं करता individual visual systems में और intranet as a cloud बन जाता है. तो इसे Hadoop कहते हैं. Question number 9. Cloud computing is an abstraction based on the notion of pooling physical resources and presenting them as a blank resource. तो cloud computing ये एक abstraction है जो based on होती है pooling physical resources and presenting them as a blank resource. तो कौन सा resource as a वो present करते हैं? तो option A है real, option B है virtual, option C है cloud, option D none of the mentionable. तो इसका सही answer है option B, virtual. Cloud computing is a new model for provisioning resources for stacking applications and for platform independent user access to services. तो cloud computing ये new model होता है जो provisioning resources के लिए होता है for stacking applications and for platform independent user access to services. Question number 10. Which of the following is cloud platform by Amazon? नीचे दिए गए में से कौन सा platform Amazon का है जो cloud platform तैयार करता है? Option A Azure, ऑप्शन बी AWS, ऑप्शन सी क्लाउडेरा, ऑप्शन फोर्थ ऑल ऑफ द मेंशन अबव. तो इसका सही आंसर है AWS. वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल क्लाउड बेस्ड बिजनेसेस इन Amazon इज Amazon वेब. वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल क्लाउड बेस्ड बिजनेसेस इज Amazon वेब सर्विसेज विच इज एन इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस ऑफरिंग दैट लेट्स यू रेंट वर्चुअल कंप्यूटर्स ऑन Amazon's ओन इंफ्रास्ट्रक्चर. तो ये Amazon वेब सर्विसेज जो AWS है वो मोस्ट सक्सेसफुल क्लाउड बेस्ड बिजनेसेस है जो क्या करता है इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस ऑफरिंग दैट लेट्स यू रेंट वर्चुअल कंप्यूटर्स ऑन Amazon's ओन इंफ्रास्ट्रक्चर. जो Amazon का खुद का इंफ्रास्ट्रक्चर होता है उसमें आपको रेंट में वर्चुअल कंप्यूटर्स आप सर्विस वो सर्विस प्रोवाइड करते हैं. इसी तरह से हमने 10 क्वेश्चन पूरे कर लिए इंट्रोडक्शन टू द क्लाउड कंप्यूटिंग की. अगले वीडियो में हम क्लाउड टाइप्स 1 के बारे में जानेंगे. तब तक के लिए धन्यवाद.